एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से मलबे में दबकर दो लोग की जान चली गई है। गार्डन रीच इलाके में हादसा हुआ है। देर रात ये निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हो गई और खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच गई। मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक मलबे में दबकर दो लोगों की जान गई है, जबकि 13 लोगों के मलबे से निकालकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वहां पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। खबर मिली है कि इमारत को अवैध तरीके से बनाया जा रहा था। इस वक्त मेयर फिराद हकीम हमारे साथ हैं। क्या अपडेट है सर, अभी क्या स्थिति है? अभी यहाँ पर 15 आदमी भर्ती है और दो आदमी का अभी तक डेथ हो गया। हम और कितना आदमी अंदर में अटका हुआ है हम नहीं जानते हैं। जितना आदमी अभी डेब्रिस क्लियर हो रहा, इतने लोग फंसे हुए हैं अभी इसका कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि पाड़ा था वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई, सब आदमी उसके ऊपर बिल्डिंग गिर गया। कहाँ कितना आदमी है बोलना मुश्किल है। कोई कंपेंसेशन ममता बनर्जी से? हाँ, वो तो बोला हुआ है 5 लाख रुपया जिसका डेथ हो उसको देंगे और 1 लाख रुपया हर इंजोर फैमिली को देंगे। मुख्यमंत्री से भी बात हुई है? हाँ, अभी बात हुई है। वो क्या उनको पूरा विवरण दिया? उनको विवरण दिया, वो भी बहुत ये लेके बहुत उद्वेग प्रकाश किए। किसी की गिरफ्तारी? इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण बताया तो प्रोमोटर गिरफ्तार हो गई। ये अवैध कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, मतलब इसका इसका दोष किस पर है? इसका दोष है हैबिट के ऊपर। हैबिट लेफ्ट फ्रंट के टाइम से ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन इस इलाका में बहुत सारे इलाका में एक तो हैबिट हो गया। अभी बोला था जो बीएलआरओ का ऑफिस में जाके हम लोगों को मिलता नहीं है, तो हम बीएलआरओ ऑफिस भी कलकत्ता कॉर्पोरेशन में ले सहूलियत के लिए जो जल्दी जल्दी मिल जाए। अभी क्यों करता है ये हमको अभी तक न मालूम नहीं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, वहां के मेयर अगर ये हैबिट जानते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की, अवैध निर्माण की, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाए, उन पर फौरी कार्रवाई किया जाए, या फिर इन सब हादसों का इंतजार किया जाता है? जी बिल्कुल नेहा, जब हमने मेयर फिरहाद हकीम से इस बारे में बातचीत की तो उनसे हमने सवाल पूछा कि इस तरह से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर क्यों रोक नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो ठिकरा है, पूरा का पूरा जो दोष है, गलती है, वो वाम मोर्चा सरकार पर डाल दिए। कहा है कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी सरकार को आए यहां सालों हो चुके हैं, ऐसे में लगभग 14 साल 15 साल होने आ रहे हैं, ऐसे में क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 5 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इस बीच आपको मैं इलाके की स्थिति भी दिखाता रह रहा हूं। यहां पर दमकल की टीमें और 5 टीमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ की टीम है, दमकल की टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, कोलकाता पुलिस की टीम है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ही ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो भी यहाँ शुरू हो गई है। यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं जो दमकल मंत्री हैं सुजीत बोस, वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं, वो सुबह भी यहाँ पर थे, मौजूद थे, और इस वक्त हमारे साथ दमकल मंत्री हैं। तो सुजीत, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? सुजीत, अभी क्या अपडेट है? यहाँ पर अभी जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी कुछ लोग नीचे फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है किसी भी तरह उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि नीचे कितने लोग फंसे हुए हैं ये बहुत मुश्किल से बताया जा सकता है, वो अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 6 लोग, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अभी भी 6 लोग नीचे जो मलबा है उसमें फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश यहां पर इस वक्त हो रही है। और ये काफी कंजस्टेड इलाका है, काफी घनी बस्ती वाला इलाका है, ऐसे में मुश्किलात शुरू में आई थी, और शुरू में जो मुश्किलात आई उसके उसके बाद अभी स्थिति वहां पर ऐसी हो रही कि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, और जो प्राथमिकता है वो कि जो अंदर में फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए। अभी क्या स्थिति है? जो लोग इंजुरी है उनको ठीक है। अभी कितने लोग फंसे हुए हैं? अभी तो हमारा मालूम है 6 से 7 आदमी अंदर में है। क्या स्थिति, उनसे बात हो पा रही है, कांटेक्ट हो पाया है? कांटेक्ट होता है। उनको क्या सकुशल बाहर निकालने संभव है? क्या स्थिति लग रही है? काम चल रहा है, कल रात से काम चल रहा है,
दिख रहा है पुलिस। अभी भी 6 से 7 लोग जो दमकल मंत्री हैं सुजीत बोस, उनका कहना है 6 से 7। नजर बनाए रखिए, निर्माणाधीन इमारत जो जमीन दोज हो गई उसके अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं इस पर पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है।